प्राचीन भारत की भूमि पर ज्ञान और सत्य की खोज में एक राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने महल और सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वही सिद्धार्थ बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक लोगों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षा का प्रभाव ऐसा था कि वह युगों युगों तक लोगों के जीवन को प्रेरित करती रही है। यह कहानी उसी महान संत गौतम बुद्ध और एक छोटे बालक की है जिसने बुद्ध के उपदेशों से अपने जीवन को बदल दिया। राजगीर के पास स्थित एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम आर्य था। आर्य केवल 10 वर्ष का था लेकिन उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी मां का निधन तब हो गया था जब वह केवल 5 वर्ष का था। उसका पिता बहुत मेहनती था लेकिन गरीबी के कारण वे अक्सर भूखे रहते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां आ रहे हैं। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे और उन्होंने बुद्ध के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। आर्य ने भी इस खबर को सुना और वह बहुत उत्साहित हो गया। वह अपने पिता के पास गया और उनसे पूछा, पिताजी क्या मैं भी गौतम बुद्ध को देखने जा सकता हूं? उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जरूर जाओ, गौतम बुद्ध महान संत हैं और उनके दर्शन से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अगले दिन गांव के सभी लोग गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए एकत्रित हुए। आर्य भी वहां पहुंचा और गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उत्सुकता से इंतजार करने लगा। गौतम बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ सभी का स्वागत किया और उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने करुणा, अहिंसा और सत्य के महत्व पर बात की। आर्य उनके उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ। उसने गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और उनके पास जाकर विनम्रता से पूछा, भगवान क्या आप मुझे भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने बालक को देखकर मुस्कुराए और कहा, बेटा शिष्य बनने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है, इसके लिए तुम्हें कठिन साधना और तपस्या करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्य ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हां भगवान मैं तैयार हूं। गौतम बुद्ध ने आर्य को अपने शिष्यों में शामिल कर लिया और उसे ध्यान और साधना की शिक्षा देने लगे। आर्य ने बहुत उत्साह और समर्पण के साथ अपनी साधना शुरू की। वह प्रतिदिन ध्यान करता और गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करता। गौतम बुद्ध ने उसे सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। उन्होंने कहा, आर्य हमें अपने मन को शुद्ध और शांत रखना चाहिए, केवल तभी हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आर्य की साधना की यात्रा आसान नहीं थी। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे भूख और प्यास से जूझना पड़ा लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह गौतम बुद्ध के उपदेशों पर विश्वास रखता था और हर कठिनाई को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार करता था। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसका मन विचलित हो गया और उसने सोचा कि वह साधना को छोड़कर घर वापस चला जाए। लेकिन तभी उसे गौतम बुद्ध की बातें याद आईं। उन्होंने कहा था, सच्चा साधक वही है जो कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करता है। आर्य ने अपनी भूख को नियंत्रित किया और ध्यान में वापस लीन हो गया। उसने समझा कि कठिनाइयां केवल हमारी साधना को मजबूत करने के लिए आती हैं। समय के साथ आर्य की साधना गहरी होती गई। उसने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं और भयों पर विजय प्राप्त की। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में था, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे समझ में आ गया कि जीवन का असली अर्थ क्या है और सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। उसने गौतम बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने समझा है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है और हमें केवल अपने मन को शुद्ध और शांत रखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने आर्य की बात सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, बेटा तुमने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाओ और उनकी मदद करो। आर्य ने गौतम बुद्ध की बातों का पालन किया और गांव के लोगों को शिक्षा देने लगा। उसने लोगों को सिखाया कि सच्ची खुशी केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। उसने उन्हें ध्यान और साधना की महत्ता समझाई और सच्चे जीवन का मार्ग दिखाया।
गांव के लोग आर्य के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने शुरू कर दिए। उन्होंने गौतम बुद्ध और आर्य के उपदेशों का पालन किया और अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त की। आर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति केवल हमारे अंदर होती है। हमें अपने मन को शुद्ध और शांत रखना चाहिए और कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें जीवन की सच्चाई और अर्थ को समझने में मदद करते हैं और हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। यह कहानी केवल गौतम बुद्ध और आर्य की नहीं है, बल्कि हम सभी की है। हमें भी अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की खोज करनी चाहिए और दूसरों की सेवा के माध्यम से अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना चाहिए। यही सच्ची साधना और सेवा का मार्ग है।